रहीम, आज जैसे कि आप देख रहे हैं सामान को देख के ही आप लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पर सेवइयां रखी हुई हैं और हम सेवई बनाने जा रहे हैं। तो सेवई का कलर भी दिखा दूं, मैंने इनको भून के रखा हुआ है और वर्मिसली है ये, जैसे इंग्लिश में वर्मिसली कहते हैं वैसे सेवइयां 450 ग्राम है, मैंने भून लिया है। और भूनने से पहले इसका कलर ये था, देखिए तो उसमें आपको काफ़ी फर्क नज़र आएगा। इसको तोड़ के इस तरह से भून लीजिए, जिसका कलर काफ़ी डार्क हो गया। देसी घी में भूना है, आप भी देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर शीरा बनाने जा रहे हैं अभी, तो उससे गैस को ऑन कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है करीब 20 ग्राम घी लिया हुआ है देसी घी, जिससे अभी शीरा बनाएंगे। बादाम हैं कटे हुए, और यहाँ पर इलायची हैं जो कि इसमें यूज़ करेंगे अभी बघार लगाने में, जैसे शीरा बनाने में। और क्वार्टर टी स्पून यहाँ पर जर्दे वाला रंग रखा हुआ है, ये डालेंगे। इधर केवड़ा है, आधा कप दूध है, और हमारे पास यहाँ पर शुगर है करीब 250 ग्राम। बल्कि मैं शुगर है हमारे पास 2.5 कप, 2.5 कप यानी कि 310 ग्राम। और खोया आपको दिख रहा है, 250 ग्राम खोया लिया हुआ है मैंने। और 3 कप पानी डाल के हम इसका शीरा बनाते हैं। पहले इसमें घी डाल देते हैं इस तरह से। और इसमें 3 इलायची डाल रही हूँ, हो जाने देते हैं। देखिए इलायची हो गई है, इलायची का कलर चेंज हो गया है। मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ 310 ग्राम यानी कि 2.5 कप, और अभी इसमें 3 कप पानी भी ऐड के दे रही हूँ अभी के लिए, ताकि मैंने 3 कप पानी इसमें डाल दिया है। और मैं इसमें 1/4 टीस्पून जर्दे वाला रंग यानी कि ऑरेंज फूड कलर, और अभी के अभी इसको चला देते हैं। और इसको पकने में कम से कम आधा घंटे तक के ये पानी इसका पकेगा, शीरा थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो फिर मैं इसको दिखाती हूँ, और उसी टाइम पर फिर इसमें सेवइयाँ डालूंगी, क्योंकि ये कमामी सेवइयाँ नहीं है, जर्दे वाली सेवइयाँ जो कि एक एक खिली खिली अलग अलग रहती है और बहुत अच्छी बनती है, मेरे दोस्तों को बहुत पसंद है। और ख़ास करके ये मेरी दोस्त की भांजी की फरमाइश पे बन रही है, जो देखें इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। और आज की सेवई हमारी दोस्त की भांजी के नाम, और उसके बाद इसमें 250 ग्राम तक खोया भी पड़ेगा। देखें शीरा रेडी हो गया है, मैंने आपसे कहा था कम से कम 15 मिनट लगेंगे इसको पकने में, 15 मिनट हो गए हैं। देखिए मैंने इसको शीरा बनाया है, कमाम नहीं बनाया है। कमाम अगर होता है तो इसके जो ड्रॉप गिर रहे होते हैं वो बहुत देर में तार बनते हैं, तो तार नहीं बनाए, ये शीरा है। देखिए आराम से इसके ड्रॉप्स गिर रहे हैं। और अब ये जो है मैं इसमें सेवई ऐड करने जा रही हूँ। सेवई डालने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी, और गैस को मैंने ऑलरेडी बंद कर रखा है। ऐसे आप अंदर देख सकते हैं कि बबल आ रहे हैं, और अभी इसमें अच्छा खासा शीरा है, लेकिन ये क्योंकि पकेगा तो उसके बाद सब उसका शीरा ख़त्म हो जाएगा और सेवइयाँ गल जाएंगे। अभी सेवई को गलना है इसमें, वरना सेवई एक एक खड़ी रहेगी कच्ची कच्ची। मैं आधा मेवा इसमें अभी डाल रही हूँ, बादाम इस तरह से, और आधे बाद में डालूंगी। और अब मैं इसके ऊपर लिड को लगा रही हूँ, ढक्कन को इस तरह से, थोड़ी देर तक ये पकेगा। अब देखिए यहाँ पर ये दूध भी है, ये इसके टेम्परेचर को ब्रेक करने के लिए है। मैं इसको काफ़ी हॉट करूंगी, गरम करूंगी खूब अच्छे से, और उसके बाद इसमें सेवइयों में डालूंगी, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। क्योंकि अभी जो सेवइयों सेवई हैं वो कड़ी कड़ी हैं, सख्त। ये देखिए अभी बिल्कुल ये सख्त हैं, ये अभी नरम नहीं होंगी जब तक कि इसका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। ये पक रही हैं और अभी इसमें शीरा है, और ये क्योंकि सेवइयों का जर्दा है, इनको पतला इस तरह से नहीं रहना है। ये अपने आप सारा पानी, इसका जो शीरा है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसको टेम्परेचर को डाउन करेंगे। उसके बाद मैं इसमें खोया डालूंगी, जो कि 250 ग्राम खोया है,
और फिर उसमें थोड़ा सा केवड़ा पड़ेगा, और केवड़े के बगैर तो कोई भी मीठा कंप्लीट नहीं होता, उसकी खुशबू जब तक बेहतरीन ना आए। अहमद का है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू। मैं इसमें देखिए दूध डाल रही हूँ, खौला लिया है मैंने दूध को ताकि इसके टेम्परेचर को डाउन करूँ। आधा कप और इसको मिक्स कर दें, उससे एकदम से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए इसका अब ये जब फ्रिज में उसको रखेंगे निकाल के, तब ये अलग अलग होंगी एक एक। अभी ये आपको चिपकी चिपकी से दिख रही हैं, लेकिन क्योंकि ये जर्दे वाली सेवैयाँ हैं, थोड़ी देर के बाद ये जो है सेपरेट होंगी। अब ये गल जाएंगी थोड़ा सा, अभी और कनी बाकी है इसमें। और अभी इसी टाइम हम आधा इसमें खोया मिला देंगे और इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए ऐसे, इसमें आधा खोया मैं अभी मिला दे रही हूँ गरम गरम में, आधा बाद में पड़ेगा। और इसके बाद मैं इस भगोने को, इस पॉट को उठा के ठंडे पानी में रखूंगी ताकि इसका टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाए। नाजरीन सिमई देखिए रेडी हो गई है। मैं इसमें थोड़ा सा लाइक 1 टीस्पून केवड़ा डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दिया मैंने। और क्योंकि ये सिवैयों का ज़ाफ़रानी ज़रदा है, क्योंकि देखने में तो हम लोग ज़्यादातर रंग ही डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको वो भी डाल रही हूँ ज़ाफ़रान। ये देखिए ये सब मिक्स हो जाएगा इसी में, इसकी खुशबू जबरदस्त आएगी। आपको एक चीज यहाँ पर खोया दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा सौते किया है, और यहाँ पर इसको भी डालना है, मिक्स कर देंगे। अब आप इसे वहीं बाहर रखी रहे या फ्रिज में रखी रहे, खराब नहीं होंगे। मैं आधा बचा रही हूँ इसको ऊपर से डेकोरेशन के लिए। अब इसको मिक्स करते हैं। अब आप सिवई का एक एक देखिए, अलग अलग सिमई दिखेंगे आपको। इसको मिक्स कर दो, क्योंकि इसमें पहले भी आधा खोया पड़ चुका है। देखें इसका कलर, जब ये और ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद और अलग अलग हो जाएगी। अभी आपको दिख रही है ये देखिए। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए सिवैयों का जर्दा, ज़ाफ़रानी जर्दा, और क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी कोपरा भी है नारियल, तो क्योंकि इसको जर्दा कहते हैं, तो इसलिए मैं ऊपर से थोड़ा सा नारियल भी सजा रही हूँ, ताकि लोग धोखा खा जाएं कि ये वर्मी सिली यानी कि सिवैयों का जर्दा है कि चावलों का जर्दा है। तो अगर आपके पास हो तो लगाएं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है अपनी। ये देखिए इस तरह से सिर्फ सजावट के लिए। और आप इसके एक एक देखें सिमई अलग नज़र आएगी, जबकि अभी बहुत टाइम नहीं हुआ। जैसे जैसे ये थोड़ी देर और फ्रिज में रखी जाती है तो बिल्कुल अलग अलग होती है, और एक एक अब ये गली हुई है बिल्कुल। देखिए चलें ज़रूर बनाइए इस तरह से और खाइए खिलाइए। अल्लाह हाफिज़।